हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है परमुटेशन। परमुटेशन से कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट टाइप क्वेश्चन है मेरे पास, स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ मैं। इन ए रेलवे कंपार्टमेंट 6 सीट आर वैकेंट ऑन ए बेंच। एक रेलवे कंपार्टमेंट में एक बेंच के ऊपर 6 सीटें खाली हैं। इन हाउ मैनी वे 6 पैसेंजर कैन सीट। और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ए बी सी डी। ए है मान लो 720, 240, 240 और 1028। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर कैसे होगा आइए देखते हैं। स्टेटमेंट मेरे पास कितनी सीटें खाली हैं, 6 सीटें। मैं 6 सीटें बना लेता हूँ यहाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है दोस्तों, 6 सीटें हैं और मुझे उस पर कितने पैसेंजर बिठाने हैं, 6 पैसेंजर बिठाने हैं। आइए बिठाते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट पैसेंजर आया मेरे पास, फर्स्ट पैसेंजर ने देखा उसके पास कितनी सीटें हैं, 6 सीटें हैं। फर्स्ट पैसेंजर इन 6 सीटों में से कहीं भी बैठ सकता है, तो फर्स्ट पैसेंजर के पास कितनी चॉइस है, 6। मान लीजिए फर्स्ट पैसेंजर यहाँ पे बैठ गया, ये सीट तो फिल होगी। उसके बाद सेकंड पैसेंजर आया, सेकंड पैसेंजर के पास कितनी चॉइस है, 3 और 2, 5। सेकंड पैसेंजर 5 में से कहीं पे बैठ सकता है, सेकंड पैसेंजर की भी सीट फिल होगी। उसके बाद आया थर्ड पैसेंजर, थर्ड पैसेंजर के पास कितनी चॉइस है, 4। ठीक है दोस्तों, थर्ड पैसेंजर यहाँ बैठ गया। उसके बाद फोर्थ पैसेंजर, उसके पास कितनी चॉइस, 3। ऐसे ही फिफ्थ पैसेंजर के पास कितनी चॉइस, 2। उसके बाद सिक्स्थ पैसेंजर आया, उसके पास कितनी चॉइस है, 1 ही चॉइस है। ठीक है दोस्तों, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 720। तो 720 एक है राइट आंसर। मान लीजिए यहाँ पे 6 की जगह 3 पैसेंजर बिठाने होते हैं, 6 की जगह 3 पैसेंजर, सीटें 6 ही है और पैसेंजर कितने बिठाने हैं, 3। तो सीटें बना लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है दोस्तों, मुझे कितने पैसेंजर बिठाने हैं, इस पर 3 पैसेंजर बिठाने हैं। पहला पैसेंजर आया, पहले पैसेंजर ने देखा उसके पास कितनी चॉइस है, 6 चॉइस है, यानी कि 6 में से किसी भी सीट पर बैठ जाए। पहला पैसेंजर के पास कितनी चॉइस है, 6। मल्टीप्लाई, मान लो पहला पैसेंजर यहाँ पर बैठ गया। उसके बाद सेकंड पैसेंजर आया दोस्तों, सेकंड पैसेंजर के पास कितनी चॉइस है, 3 और 2, 5। सेकंड पैसेंजर के पास 5 चॉइस है, मान लीजिए सेकंड पैसेंजर यहाँ पर बैठ गया। उसके बाद थर्ड पैसेंजर आया, थर्ड पैसेंजर के पास कितनी चॉइस है, 4। थर्ड पैसेंजर के पास कितनी चॉइस है, 4 चॉइस है। ठीक है दोस्तों, थर्ड पैसेंजर भी यहाँ बैठ गया और मुझे कितने पैसेंजर बिठाने थे, 3 ही पैसेंजर उठाने थे। तो कितना हो गया, 120। तो 120 क्या आ गया, राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आप कितने भी पैसेंजर बिठा सकते हैं। आइए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ मैं। स्टेटमेंट है, देर आर 4 रूट बिटवीन हरियाणा एंड पंजाब। हरियाणा और ये पंजाब, इसके बीच में कितने रूट हैं, 4 रूट हैं, 4 रास्ते हैं इसके बीच में। ठीक है दोस्तों, 4 रूट हैं। इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन ए मैन गो फ्रॉम हरियाणा टू पंजाब। एक आदमी हरियाणा से पंजाब कितने रास्ते से जा सकता है एंड रिटर्न, और आ भी सकता है इफ़ फॉर रिटर्निंग। इस क्वेश्चन में दोस्तों 2 कंडीशन है, यानी कि एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। पहले इस क्वेश्चन को देखेंगे फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, एक आदमी को हरियाणा से पंजाब जाना है और फिर आना भी है। ठीक है दोस्तों, पहली कंडीशन क्या है, एनी ऑफ द रूट इज टेकन। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आप हरियाणा से पंजाब जा रहे हो, जाते हुए आपने इस रास्ते का यूज़ किया है। ठीक है दोस्तों, और आते हुए जब आप पंजाब से हरियाणा हो गए तो आप एनी ऑफ द रूट टेकन, यानी कि कोई भी रास्ता चुन सकते हो। आप जिस रास्ते से गए थे उस रास्ते से भी आ सकते हो, इससे भी आ सकते हो, इससे भी आ सकते हो, इससे, यानी कि आपको छूट है, आप कोई सा भी रास्ता चूज़ कर सकते हो। आइए देखते हैं क्वेश्चन, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है। जब आदमी हरियाणा से पंजाब जाएगा, आप मान लो यहाँ से यहाँ जाना है आपको, तो आपके पास कितनी चॉइस है, 4 रास्ते हैं, 4 में से किसी भी रास्ते से जा सकते हैं। जाते हो आपके पास कितनी चॉइस है, 4 चॉइस है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए आप यहाँ पहुँच गए तो आपको वापस आना है, तो वापस आने के लिए आपके पास कितनी चॉइस है, आप किसी भी रास्ते से आ सकते हैं, तो वापस आने के लिए आपके पास कितनी चॉइस है, 4 चॉइस है। तो 16 क्या आ जाएगा, फर्स्ट का राइट आंसर क्या आ जाएगा, 16। ठीक है दोस्तों, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सेम रूट इज़ नॉट टेकन, यानी कि क्या है, अगर मान लो कोई आदमी यहाँ से हरियाणा से पंजाब गया, इस रास्ते से पंजाब से हरियाणा आते हुए उसको वो रास्ता यूज़ नहीं करना, किसी और रास्ते से आना पड़ेगा, तो इस केस में आंसर क्या आएगा, आइए देखते हैं। मान लीजिए जब वो व्यक्ति है हरियाणा से पंजाब गया, तो उसके पास कितनी चॉइस थी, 4। जाते हुए उसके पास कितनी चॉइस थी, 4। वो यहाँ पहुँच गया, उसको वापस आना है, और वापस आने के लिए वो जिस, मान लीजिए इस रास्ते से गया था, इस रास्ते को यूज़ नहीं करना, तो अब तक उसके पास कितनी चॉइस है, 3 चॉइस है, 12। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 12। टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इस एक क्वेश्चन में मैं आपको 6 से 7 क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूँगा। आइए देखते हैं।
हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 0 to 9, यानी कि मुझे कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 3 डिजिट का एक मुझे नंबर बनाना है, कितने नंबरों का यूज़ करके, कितने डिजिट का यूज़ करके, 0 से 9, 0 से 9 कितने डिजिट होते हैं, 10 डिजिट होते हैं, इन 10 डिजिट का यूज़ करके मैं कितने टाइप के 3 डिजिट के नंबर बना सकता हूँ, जैसे 123 हो गया, 456 हो गया, 963 हो गया, इस टाइप के कितने नंबर बना सकता हूँ इन डिजिट का यूज़ करके, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द डिजिट कैन बी रिपीटेड, यानी कि जो डिजिट है वो रिपीट हो सकते हैं, यानी कि इस टाइप के नंबर भी बन सकते हैं। यहाँ पे डिजिट क्या रिपीट हो रहे हैं, रिपीट का मतलब क्या है, 3 है जो कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, और जैसे ये नंबर है इसमें 4 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, यहाँ 4 2 बार ही आ रहा है, तो नंबर क्या रिपीट हो सकते हैं, पहली कंडीशन ये है, आइए देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर मैं आपसे पूछूँ 34 या 98, ये 3 डिजिट नंबर है, नहीं, ये कितने डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर, ठीक है दोस्तों। तो इन नंबर का यूज, इन डिजिट का यूज़ करके मुझे 3 डिजिट नंबर बनाना है, इसमें 0 भी है तो ये भी तो बन सकता है, ये 3 डिजिट नंबर है, नहीं, ये 2 डिजिट नंबर है, ये क्या 12 है, ठीक है दोस्तों। यानी कि एक बात तो शोर है, यानी कि जो 0 है, 0 यहाँ कभी नहीं आ सकते, अगर यहाँ पे 0 आ गई तो वो कितने डिजिट का नंबर आ जाएगा, 2 डिजिट का, पर मुझे कितने डिजिट का बनाना है, 3 डिजिट का, यानी कि 0 यहाँ कभी नहीं आ सकती, ठीक है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ 0 यहाँ नहीं आ सकती, यानी कि यहाँ पे कोई कंडीशन है, तो सबसे पहले मैं इसी प्लेस को फिल करूँगा, यहाँ पे मेरे पास कितनी चॉइस है, यहाँ देखते हैं, यहाँ पे 0 तो आ नहीं सकती, यहाँ पे 0 नहीं आ सकती, तो यहाँ पे कितनी चॉइस है, यहाँ पे 0 नहीं आ सकती, यहाँ ये 1 2 3 4 up to 9, ये इसमें से तो कुछ भी आ सकता है, तो यहाँ पे मेरी कितनी चॉइस है, 9 चॉइस है, 9 में से यहाँ पे, 9 नंबरों में से यहाँ पे कोई भी एक नंबर आ सकता है, तो ये जगह तो मेरी फिल होगी, ठीक है दोस्तों। कंडीशन क्या है, रेपिटेशन मेरी अलाउड है, यानी कि एक नंबर 2 बार आ सकता है। उसके बाद मैं देखता हूँ ये वाला नंबर, ठीक है दोस्तों, ये वाला नंबर देखता हूँ, यहाँ पे कितनी चॉइस है, यहाँ पे तो 0 आ सकती है, यानी कि कोई नंबर ये तो बन सकता है, ये तो 3 डिजिट नंबर है, तो यहाँ पे मेरी कितनी चॉइस है, 10 की 10 चॉइस है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ देखता हूँ, यहाँ पे भी क्या है, 10 की 10 चॉइस है, क्योंकि 0 यहाँ भी आ सकती है, 120 भी आ सकता है, तो 10 की 10 यहाँ, तो कितना आ गया, 900, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 900। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इफ़ द डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड, यानी कि डिजिट है वो रिपीट ना हो पाए, जैसे क्वेश्चन 3 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है दोस्तों। पहले मैं यहाँ देखूँगा, यहाँ पे 0 तो आ नहीं सकती, 0 यहाँ पे नहीं आ सकती, तो यहाँ पे कितनी चॉइस है मेरी, 9 चॉइस है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे देखें, और रेपिटेशन क्या अलाउड नहीं है, यानी कि डिजिट कैन नॉट बी रिपीट, डिजिट रिपीट नहीं हो सकते। एक डिजिट तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे यूज कर चुका हूँ, जैसे 1 से लेकर 9 तक, इसमें से एक डिजिट मैं यहाँ पे रख चुका हूँ, मान लीजिए वो डिजिट मैंने 3 रख लिया, 3 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे 3 तो आ नहीं सकता, यहाँ पे कितनी चॉइस है, यहाँ पे 0 तो आ सकती है, 1 इसमें से चला गया पर 0 तो आ सकती है, तो मेरे पास टोटल कितनी चॉइस है, 9 चॉइस है, क्योंकि 3 तो ऑलरेडी आ चुका है, 0 आया, तो टोटल चॉइस कितनी है यहाँ पे, 9 चॉइस है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, 2 डिजिट मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ, इसमें से 10 में से मैं 2 डिजिट यूज कर चुका हूँ, तो यहाँ पे कितने डिजिट, 8, निम्न 81 8 8 8 64, तो 648, तो इसका आंसर क्या आ गया, 648, ठीक है दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इवन पॉजिटिव नंबर, यानी कि 3 डिजिट का नंबर ही बनाना है मुझे, पर वो क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है, आइए देखते हैं। कोई भी नंबर इवन नंबर कब होता है, जब उसका लास्ट डिजिट या तो 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो या 0 हो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे कितनी चॉइस है मेरी, यहाँ तो या 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 आ सकता है, 0 आ सकता है, यहाँ पे यही आ सकते हैं, तो यहाँ पे कितनी चॉइस है मेरी, यहाँ पे 5 नंबर ही आ सकते हैं, इसके अलावा यहाँ अगर यहाँ पे मान लो 3 आ गया तो ये तो इवन नंबर नहीं बनेगा, ये इवन नंबर थोड़ी है, इवन नंबर तो ये है, यानी कि लास्ट में 2 है 4 है 6 8 0 ये आएंगे, तो यानी कि लास्ट डिजिट पे यहाँ पे कितनी चॉइस है मेरी, 5, ठीक है दोस्तों।
अब इस नंबर पे देखते हैं, सेकंड नंबर पे, यहाँ पे कितनी चॉइस हैं? यहाँ तो 10 में से कोई भी नंबर आ जाए, इसमें से 10 डिजिट में से कोई भी डिजिट आ जाए, यहाँ पे कितनी चॉइस हैं? 10। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कितनी चॉइस है? यहाँ पे 0 कभी नहीं आ सकती, तो यहाँ पे कितनी चॉइस है हमेशा? 9। तो इसका आंसर आ गया 450। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही ओड नंबर, ओड वाले केस में लास्ट में क्या आएगा? हमेशा 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्लेस पे मेरी कितनी चॉइस है? 5। इस प्लेस में इन पांचों नंबर में से कोई भी एक नंबर यहाँ आ सकता है, तो यहाँ पे कितने? 5 में से एक नंबर आ सकता है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे तो 10 में से कोई भी नंबर आ सकता है, 10 में से कोई भी नंबर आ सकता है, तो यहाँ पे कितनी चॉइस है? 10। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 0 कभी नहीं आ सकती, तो 0 नहीं आ सकती, तो कितनी चॉइस है यहाँ पे इसको छोड़ के? 9। तो इसका आंसर भी क्या आ गया? 450। ठीक है दोस्तों, इसका भी आंसर क्या आ गया? 450। उसके बाद यहाँ देखते हैं, ये क्या है? 3 डिजिट का नंबर ही बनाना है मुझे। कंडीशन है नंबर डिविजिबल बाय 5, जो वो नंबर बनेगा वो हमेशा 5 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे अगर मैं ये नंबर लिखूँ 140, 145, ये 5 से क्यों डिविजिबल है? क्योंकि जो इसका लास्ट डिजिट है या तो 0 है या 5 है। अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल होता है, उसका लास्ट नंबर या तो डिजिट होना, या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे या तो 0 आ सकती है या 5 आ सकता है। तो यहाँ पे मेरी कितनी चॉइस है? यहाँ पे 2 चॉइस हैं, 2 में से कोई भी एक नंबर आ सकता है। उसके बाद यहाँ पे कितनी चॉइस है? यहाँ पे तो 10 में से कोई भी एक नंबर आ सकता है, तो यहाँ पे कितनी चॉइस है? 10। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कभी 0 नहीं आ सकती। अगर यहाँ पे 0 आ गई तो 2 डिजिट नंबर रह जाएगा, यानी कि 0 को छोड़कर यहाँ पे कोई भी 9 में से कोई भी आ सकता है। तो कितना आ गया? 180। तो इसका आंसर क्या आ गया? 180। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो? लास्ट डिजिट इज़ ऑलवेज 7, यानी कि जो उसका लास्ट, उसने कंडीशन फिक्स कर दी, उसका लास्ट डिजिट यहाँ पे तो हमेशा कह रहेगा 7 रहेगा, यहाँ पे हमेशा 7 आएगा, तो इसकी जगह तो फिक्स होगी, यहाँ पे 7 है, इसको तो देखने की जरूरत नहीं है अब, यहाँ पे तो इसकी जगह तो फिक्स होगी। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कितनी चॉइस है मेरी? यहाँ पे कितनी चॉइस है? 10 में से कोई भी आ सकता है, यहाँ पे 10 चॉइस हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 0 आ नहीं सकती कभी भी, यहाँ भी, यहाँ पे कितनी चॉइस है? 9। तो 90 नंबर ऐसे बनेंगे जिसका लास्ट डिजिट क्या होगा? 7। जैसे 147, 1+37, ऐसे 90 नंबर बनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप परमुटेशन से रिलेटेड किसी भी टाइप का क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। थैंक यू।